हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, माइक्रोटॉम। जैसे कि आपको पता है, माइक्रोटॉम एक हिस्टोपैथोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको आज मैं बताने वाला हूँ कैसे ट्रिमिंग करते हैं, कैसे सेक्शन कटिंग करते हैं। तो मैं चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि इसके पार्ट्स क्या है। तो यह है हमारा रोटरी माइक्रोटॉम, जो EHM 325, इस मशीन का नाम है। इसको हम रोटरी माइक्रोटॉम बोलते हैं। तो इसके ये जो होता है ब्लॉक होल्डर होता है, इससे हम ब्लॉक को एडजस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको इस तरीके से ब्लॉक को हम एडजस्ट करते हैं। ये ब्लॉक होल्डर है, ये नाइफ एडजस्टमेंट करता है इस तरीके से। ये हम इसको नाइफ को एडजस्ट कर लेते हैं। और एक ऑपरेटिंग हैंडल है ये वाला, जिससे कि हम लोग इसको करते हैं, इस तरीके से चलाते हैं। और ये हमारा ये ब्लॉक एडजस्टमेंट है। जैसे कि जब हम ब्लॉक को इधर लगाते हैं इस तरीके से, तो इस नाइफ ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से काम करता है। इस तरीके से हमको ब्लॉक को एडजस्ट करते हैं। माइक्रोम कैसे सेट करते हैं जी, जैसे कि हमको अगर कोई स्मॉल वाईएसपी है, जैसे कि ये स्मॉल वाईएसपी, ये स्मॉल वाईएसपी है, तो इसको हम 3 माइक्रोन पे या 4 माइक्रोन पे करते हैं जनरली, तो 4 माइक्रोन पे ही करते हैं। तो हम इधर से सेट कर लेते हैं इसको। अगर हम इसको ट्रिमिंग करते हैं स्मॉल वाईएसपी को, 10 माइक्रोन पे ट्रिमिंग करते हैं, और बड़ी वाली वाईएसपी को हम इसको 20 माइक्रोन पर। इस तरीके से हम इस माइक्रोटॉम को चलाते हैं। ये चलिए फिर हम आपको ये ब्लॉक ट्रिम करके दिखाते हैं। जैसे कि हमारा ये ब्लॉक है, इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। और एडजस्ट हमको इस तरीके से करना है, ब्लॉक ढीला ना रहे इस तरीके से। अब हमको ये माइक्रोन सेट कर लेना है, ये हमारी लार्ज वाइस भी है, तो हमको 20 माइक्रोन पे ये करना है। ये देखिए इस तरीके से, अब हमको इस तरीके से ये एडजस्टमेंट करना है। जब इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे, जिसके पास आ जाएगा नाइफ के पास, तो फिर हमको ऐसे ट्रिम करना है, इस तरीके से ट्रिम करना है। ये देखिए आपको एक्स्ट्रा वैक्स दिख रहा होगा, लेकिन अभी ये ट्रिम नहीं हुआ है। इस तरीके से इसको हम ट्रिम करते हैं, एक्स्ट्रा वैक्स इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। देखिए देखिए आपको दिख रहा होगा कि अब टिशू आ चुका है। देखिए ये ब्लॉक हमारा अब ट्रिम हो चुका है। तो इस तरीके से हम इस ब्लॉक को ट्रिम करते हैं। एक और आपको करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से इसको फंसाते हैं, टाइट कर लेते हैं, फिर इसको एडजस्ट करते हैं इधर से, इधर से हम एडजस्ट करते हैं, फिर इधर से इस तरीके से इसको काटते हैं। जब तक इसकी एक्स्ट्रा वैक्स रिमूव ना हो जाए, तब तक हमको इस तरीके से ट्रिम कर लेना है। देखिए ये देखिए, इसमें ये जो है ट्रिम ये हो चुका है। तो इस तरीके से हमको ये ट्रिमिंग करना रहता है, ये चाहे स्मॉल वाईएसपी हो चाहे लार्ज वाईएसपी हो। तो इस वजह से तो मैंने जो है ब्लॉक ट्रिम जो कर लिए थे, इनको फिर मैंने आइस पर रख दिया। आइस पे हम इसलिए रखते हैं जो इसका जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए, जिससे कि हमारा सेक्शन रिबन फॉर्म में आए। और जैसे कि अगर हमको फैटी टिश्यू काटना है, तो फिर हम इस तरीके से 6 माइक्रोन पे इसको काट सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल टिश्यू है, तो हम उसको फिर 4 पे काट सकते हैं। हमने अपना माइक्रोन सेट कर लिया जो 4 माइक्रोन पे है। और हमको क्या करना है कि ये टिशू फ्लोटेशन बाथ है, इसको जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट रहता है वैक्स का 60 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे 20 डिग्री सेंटीग्रेड हम कम रखते हैं। और हमको ये एक एग एल्यूमिनियम की लगी हुई स्लाइड चाहिए। चलिए हम आपको ब्लॉक काट के दिखाते हैं। इस तरीके से इस ब्लॉक को हमको फंसाना है, फंसाने के बाद में इसको एडजस्टमेंट करना है, फिर इस तरीके से हमको ये थोड़ा सा ट्रिम करना है, फिर हमको ये रिबन फॉर्म में देख सकते हैं आप, इसमें आपको रिबन फॉर्म में, ये रिबन फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ये रिबन फॉर्म में इस तरीके से हमको सेक्शन लेना है।
ये देखिए हमारा इस तरीके से रबिन फॉर्म में आना चाहिए। ये देखिए जब हमने इसको फ्लोट कर दिया, फ्लोट करने के बाद में हम इसको एक या दो सेक्शन उठा लेते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से हमने दो सेक्शन उठा लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसको फिर हम स्लाइड वार्मिंग टेबल पे रखते हैं। जैसे कि मैंने ये सारे जो ब्लॉक काट के रख दिए हैं और इनका हिस्टोपैथोलॉजी नंबर भी हमने उनको दे दिया है, फिर मैंने इनको ये वार्मिंग टेबल पे रख दिया है, जो इनका एक्स्ट्रा बैग्स है जो रिमूव हो जाए, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीवैक्सिंग। तो ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका बैग्स जो है मेल्ट हो रहा होगा, मेल्ट हो रहा है। इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें 30 या 40 मिनट हम इसको रख सकते हैं। इसके बाद में फिर हम इसको क्लियरिंग करते हैं, जैलिन 1, जैलिन 2, जैलिन 3 में अलग अलग डाल के इसको फिर हम क्लियरिंग करते हैं। मैंने इस पर सेक्शन ले लिए हैं स्लाइड पे, तो इसके बाद में फिर हमको स्लाइड वार्मिंग टेबल पे रखना है, फिर डीवैक्सिंग करना है, फिर एच ई स्टेन करना है, वो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।